अहंकार किन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में आता है, आप अहंकारी होते हैं वो समझते हैं। अहंकार मन से जुड़ा हुआ मामला है और मन से आगे बढ़ करके ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह का अपनी तरह का अहंकार पैदा कर देते हैं, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति और चंद्रमा की। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न तरीके के अहंकार जीवन में पैदा करता है। हर तरह का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार आपके मन में हो, आपके जीवन में हो, ये विशेष तरह की समस्या पैदा करता है। यानी जिस चीज का आप अहंकार पालेंगे, एक तो वो चीज आपके साथ रहेगी नहीं और दूसरा ये अहंकार आपके जीवन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा आपको पहले बताया कि अलग अलग ग्रहों की प्रबलता अलग अलग तरीके का अहंकार जीवन में देती है। सूर्य किस तरह का अहंकार देता है? सूर्य वैभवशाली परंपरा का और अपने बड़े खानदान का, अपने बड़े विरासत का अहंकार देता है कि मैं इस खानदान का हूं, मेरे परिवार में ये है वो है। परिवार कुल खानदान को लेकर के अहंकार सूर्य देता है और कुंडली में सूर्य के ज्यादा मजबूत होने से ये अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार पालते हैं तो इस तरह के अहंकार की वजह से संतान पक्ष की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। चंद्रमा किस तरह का अहंकार देता है? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, अपने गुणों का जो अहंकार है ये चंद्रमा पैदा करता है। और चंद्रमा वालों को अपने क्लास का अहंकार भी होता है, मेरा खाना, मेरा पहनना, मेरा रहना बड़ा क्लासी है, इस बात का भी अहंकार इनको होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आपके अंदर ये अहंकार है तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जीवन में जो जो भी चीजें अच्छी थी वो तमाम चीजें निगेटिव हो सकती हैं। अब मंगल अगर कुंडली में प्रबल हो जाए तो किस तरह का अहंकार देगा? मंगल शक्ति का और ताकत का अहंकार देता है। मेरे पास पावर बहुत है, रसूख बहुत है, रुतबा बहुत है, मैं बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठा हूं, ये अहंकार मंगल देता है। और मंगल वालों के अंदर अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दुरुपयोग करने की आदत भी आ जाती है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन राशि वालों के अंदर ताकत और शक्ति को लेकर के अहंकार जल्दी आता है। और अगर आप मंगल वाला अहंकार करते हैं तो अहंकार की वजह से यहां रिश्तों की समस्या
आपको परेशान करेगी, आपके रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, अब इसके बारे में भी बताएं कि बुध और अहंकार का आखिर क्या कनेक्शन है। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल कैसा अहंकार देते हैं वो आपने समझा। जब बुध कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली हो तो कैसा अहंकार देता है, बुध वालों को अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का अहंकार होता है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के सामने कुछ नहीं समझते। मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है। और जो लोग अपनी बुद्धि का अहंकार करते हैं उन्हें अहंकार के कारण धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम अहंकार की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति के अंदर सबसे ज्यादा अहंकार पाया जाता है। बृहस्पति और अहंकार का क्या कनेक्शन है, अगर बृहस्पति बहुत प्रबल हो गया कुंडली में तो अपने ज्ञान और पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड का अहंकार और अपने ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। और ज्यादातर अपने ज्ञान को लेकर जितना ये ज्ञानी होते जाते हैं उतना विनम्र नहीं होते, उतने अहंकारी हो जाते हैं। इस अहंकार के कारण इनकी वाणी पर नियंत्रण कम रह पाता है। और ये जो ज्ञान के अहंकारी लोग होते हैं अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन, इन राशि वालों को बृहस्पति वाला अहंकार यानी ज्ञान का अहंकार ज्यादा होता है। और अहंकार के कारण इनको अक्सर जीवन में डिफेमेशन का, अपयश का सामना करना पड़ता है। देखिए, शुक्र वैसे तो कोमल प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन ये भी अहंकार देता है। कैसा, शुक्र वाले जो होते हैं उनको अपने रूप सौंदर्य का और अपनी शानो शौकत का बहुत अहंकार होता है। ये लोग, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, ये अहंकार शुक्र वालों को ज्यादा होता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं और समय की और धन की बर्बादी करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में ये जो शुक्र वाला अहंकार है ये ज्यादा होता है। और इस तरह के अहंकार के कारण इनको धन की आकस्मिक हानि, सडन हानि अक्सर हो जाती है। वैसे तो शनि बड़ा रूखा सूखा और बड़ा अनुशासनात्मक ग्रह है, लेकिन शनि भी अहंकार पैदा करता है। कैसा, शनि वालों को अपने काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, इसका अहंकार शनि वालों को ज्यादा होता है।
ये लोग किसी और के काम को अपने काम और मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते। इनको लगता है मैंने जो मेहनत की, मैंने जो काम किया वो सर्वोत्तम है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के अंदर ये अहंकार ज्यादा होता है। अहंकार जिसको अपने काम का होगा, अपनी मेहनत का होगा, मेहनत करिए, काम करिए, लेकिन अगर उसको लेकर मन में अहंकार पालेंगे तो आपके करियर में उतार चढ़ाव होता रहेगा। जिस चीज का व्यक्ति अहंकार करता है, अक्सर ईश्वर वही चीज व्यक्ति से छीन लेता है। इसीलिए अहंकार से बचिए। कैसे इसको समाप्त करें? रोज सुबह उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों के पैर छुएं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य के सामने रोज सवेरे 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और अगर आपके अंदर जरा भी अहंकार है तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार अन्न और वस्त्र का दान करिए, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। और जब मन में किसी बात को लेके अहंकार पैदा हो तो मन में तुरंत ये विचार करिए कि प्रभु ये आपकी कृपा से है, जो मेरे पास है वो आपकी करुणा से है। अगर ये प्रार्थना हर बार आप करेंगे अहंकार आने के साथ, तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।